नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी सांसद दुष्यंत गौतम जी हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मध्य में उपस्थित परमादरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मेरे साथी सहयोगी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, पंजाब से आए हुए दोनों महामंत्री जीवन गुप्ता जी और राजेश बग्गा जी, बंधु जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश विदेश और खासकर महिलाओं में, दलितों में, पिछड़ों में, सिखों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है और हमने अनेकों दल को आज पंजाब में देख रहे हैं। कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम पार्टी हो, जो जो वादे कर सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा ना कर जो हमारा धार्मिक आस्था है, गुरु ग्रंथ साहब उसकी अवमानना, युवाओं को नौकरी देना, किसी भी युवाओं को नौकरी दी, घर घर नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन खाली दो ही पूर्व उनके नेताओं को, बच्चों को नौकरी वो दे पाए। ऐसे अनेकों अनेक कारण, युवाओं को ड्रग्स से बचाना था, आज ड्रग्स और दारू घर घर सप्लाई करने का काम, होम डिलीवरी का काम तक चालू कर दिया। और यही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए जो स्कॉलरशिप दी गई उसके अंदर सीधा सीधा घोटाला हुआ और सरकार का ये कहना कि हम अनभिज्ञ हैं, हम मालूम नहीं वो कैसे हुआ। और खासकर आम पार्टी जिसके कारण वहां अराजकता, जहां संविधान की परवाह नहीं की जा रही, और आज हम देखते हैं किस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ के अंदर वो संविधान की जो मर्यादा होती है उनका भी हनन कर रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ना, आंदोलन को संघर्ष झगड़े का रूप देना, इस सबसे पंजाब की जनता दुखी हो चुकी है और उनका मोदी जी के प्रति विश्वास इसलिए भी बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से हमने काली सूची को खत्म किया, जिसके कारण लाखों युवा परेशान थे, हमने 84 के दंगों को, जो दंगा पीड़ित थे उनको न्याय देने का काम किया, ऐसे अनेकों ने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इस कारण से आज पंजाब की जनता चाहती है कि हमें शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, सुख चाहिए, और सब मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। उससे प्रभावित होकर अनेकों ने पंजाब के वरिष्ठ नेतागण, पंजाब की जिन्होंने सालों से भागदौड़ संभाली है, पंजाब को अपने खून पसीने से सींचा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी क्योंकि आज वहां पे विकल्प के रूप में खाली भारतीय जनता पार्टी है जो एक मजबूत भारत, मजबूत पंजाब दे सकती है। मैं आदरणीय हमारे महामंत्री जीवन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह एक एक का परिचय कराएंगे, आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। धन्यवाद माननीय दुष्यंत गौतम जी। हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी माननीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे पंजाब से ही पार्टी के महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, पंजाब से पार्टी के महामंत्री राजेश बग्गा जी और उपस्थित यहां पे प्रेस के सभी भाइयों और बहनों, सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे बीच में पंजाब के 6 माननीय
जाने माने चेहरे मंच पर आप देख रहे हैं। मैं सभी को एक एक करके आमंत्रित करूंगा। तो सबसे पहले श्रीमती अमन ज्योत कौर रामू वालिया, ये पंजाब का जाना माना चेहरा है। सरदार बलवंत सिंह रामू वालिया की पुत्री हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी श्रोमणी अकाली दल में महिला विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक्स चेयरपर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की, बोले सो निहाल। दूसरा नाम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सरदार गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, हमारे अमलो से पूर्व विधायक और अकाली दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे, सरदार बलवंत सिंह शाहपुर के सुपुत्र हैं और श्रोमणी अकाली दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और 15 साल लगातार गांव के सरपंच रहे। वाहेगुरु जी की फतेह। सो उनका भी भाजपा में स्वागत है। तीसरा नाम सरदार चंद सिंह जी चट्ठा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल के और 1977 से श्रोमणी अकाली दल से जुड़े हुए हैं। आज श्रोमणी अकाली दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सत श्री अकाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। सो चौथा चेहरा है हमारे पंजाब के बहुत ही, बल्कि हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती हैं, जो कि पंजाब से हैं, चेतन मोहन जोशी, जो कि मीडिया प्रेजेंटर हैं दूरदर्शन पे जलंधर और चंडीगढ़ से और नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं ओवरसीज। परफॉर्म किया है उन्होंने कल्चरल स्टेज एंकर एज ए कनेडा, यूएसए, इंग्लैंड और यूरोप में काफी, और इनकी धर्मपत्नी बहुत ही अच्छी सूफी गायक हैं ममता जोशी जी। सो उनके पति हैं चेतन मोहन जोशी जी, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मशहूर एंकर हैं। सो पार्टी के संस्थापक सदस्य, पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सो इनका भाजपा में स्वागत है। जिंदाबाद। पांचवा चेहरा बलजिंदर सिंह डकोहा, जो कि डकोहा गांव से हैं, जो कि श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा हमारे गुरदासपुर जिले में पड़ती है, वहां से बहुत ही जाना माना चेहरा बलजिंदर सिंह डकोहा, जो कि श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के और कांग्रेस के भी पहले से सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के। सो वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी पार्टी में स्वागत है। छठा चेहरा प्रीतम सिंह जी, जो कि नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल एससी विंग के, जत्थेदार प्रीतम सिंह जी बहुत पुराने अकाली दल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज अकाली दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, दिड़पा विधानसभा से हैं। सो उनका भी पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बलजिंदर जी इधर आ जाओ। बहुत स्वागत साहब आप सबका। धन्यवाद।
एक मिनट अभी यहाँ लेंगे, आगे ले लेंगे, ठीक है। मैं आदरणीय शिकावा जी से निवेदन करूंगा कि ज्वाइनिंग पर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार मित्रों, आज इस सुखद अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए और बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों का आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संसद में मेरे साथी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो पंजाब प्रदेश के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के दोनों महासचिव श्री जीवन गुप्ता जी, राजेश बग्गा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित हुए, या मैं कहूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करने के लिए हम सब के साथ में खड़े हुए आदरणीय बहन अमनजोत कौर रामूवालिया जी, श्री गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, चांद सिंह चट्ठा जी, चेतन मोहन जोशी जी, बलजिंदर सिंह जी और जथेदार प्रीतम सिंह जी, और हम सब के बीच में इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और जिनके माध्यम से देश पूरा साक्षी बनेगा, ऐसे सारे पत्रकार मित्रों, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है और ये इस बात का इंगित भी है कि आने वाले पंजाब के चुनाव के समर में प्रवाह किस ओर बढ़ रहा है। कुछ राजनीतिक दल जिनको चुनाव के समर में देश भर में जनता ने नकार दिया है, वो किसान के नाम पर किसानों को बहला फुसला कर उनके कंधे पर पांव रख करके सत्ता की कुर्सी को पुनः हथियाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से और उनके कार्यों से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उससे व्यथित होकर के और ये विश्वास रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यापक हित और पंजाब प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रही है, इन सभी नए सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और परिवार में आने वाले प्रत्येक सदस्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई शक्ति का संचरण होता है और जितने वरिष्ठ नामचीन और एक लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से जुड़े हुए इन सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होना न केवल पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का कारक है। मैं मानता हूं कि हम सब लोग मिलकर, नए पुराने लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और आने वाले समय में पंजाब में ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए हम सब मिलकर के का परिश्रम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अज भारतीय जनता पार्टी दे बीजेपी दे दफ्तर च निघा स्वागत है। जिहड़े साथी साडे पार्टी च शामिल होए ने, उन्हां च
ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 1977 ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਦੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਪੀ ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਯੂਪੀ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਚੇਤਨ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਦਾਖੇ ਤੋਂ, ਦੋਖਾ ਤੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਂਗਨ ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਂਗਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਗਲਿਆਰਾ ਸਾਡੀ 70 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਸੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।